नमस्कार, मैं हूँ नीतू। आपका स्वागत है टॉप नाइन न्यूज में। टॉप नाइन न्यूज में मैं फिर लेकर आ चुकी हूँ दिन भर की नौ बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमलों में शहीद जवानों की शहादत का एक अपमान करने का वाकया सामने आया है। दरअसल रायपुर के अस्पताल में देश के इन जवानों की वर्दी और जूते कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों की शहादत का अपमान करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल रायपुर के अस्पताल में देश के इन वीर जवानों की वर्दी और जूते कूड़े के ढेर में फेंक दिए गए। गौरव के भी हाल ही में राज्य के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए थे। घटना घटित होने के बाद जवानों के शवों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवानों की वर्दी अस्पताल के किनारे कचरे के ढेर में फेंक दी गई। तो वहीं दूसरी ओर जब यह मसला सामने आया तो रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अस्पताल पहुंच गए और वर्दियों को इकट्ठा करके कांग्रेस भवन ले आए। हालांकि बाद में सीआरपीएफ के अधिकारियों ने वर्दियों को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे आपको बता दें कि तय नियमों के तहत शहीद जवानों की वर्दियां उसके रिश्तेदारों को सौंपी जाती हैं, लेकिन रायपुर में अस्पताल प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश के सीएम रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है। बहरहाल जिस तरह से शहीद जवानों के साथ इस तरह का रवैया सामने आया है, इसकी जितनी भरसक आलोचना की जाए उतना कम है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस मसले पर क्या कार्रवाई करती है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए महामोर्चा बनाने की कवायद अब और तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली में आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस मोर्चे के लिए कदम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए महामोर्चा बनाने की कवायद अब और तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली में आज सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर पुराने जनता दल परिवार की बैठक हो रही है। इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार, एचडी देवगौड़ा और आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आज महामोर्चा का ऐलान भी किया जा सकता है। खबरों की माने तो इस तीसरे मोर्चे का नाम समाजवादी जनता दल होगा। साथ ही सपा मुखिया मुलायम सिंह के हाथों में इस महामोर्चा की कमान हो सकती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब हुई और ये सिलसिला विधानसभा चुनावों में भी जारी है। तो वहीं नेताओं की कोशिश विपक्षी दलों का एक मोर्चा बनाकर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जनता को एक मजबूत विकल्प देने की है। याद रखें, मोर्चा बनाने के लिए इसी बाबत एक बैठक 8 नवंबर को भी हो चुकी है। फिलहाल अभी तीसरे मोर्चे में जो लोग शामिल हैं वे सभी पुराने जनता दल परिवार के हैं। बताते चले कि सभी लोग 1989 में जनता परिवार के हिस्से थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अलग होकर अपनी पार्टियां बना ली थी। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के लिए दिल्ली से कैथरीन गुप्ता की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ते रहते हैं। इसी कड़ी में फिर एक नया दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। दरअसल वारदात रोहिणी सेक्टर 9 के जाने माने स्कूल की है, जहां आरोप है कि 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताते चले कि आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी छात्र वारदात के बाद से ही फरार है। बहरहाल पुलिस ने पूरी जांच के दौरान दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पाकिस्तान में जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की आज 2 दिवसीय रैली शुरू हो रही है। पाक सरकार के समर्थन वाली हाफिज सईद की इस रैली में भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पाकिस्तान में जमात उल दावा प्रमुख और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की 2 दिवसीय रैली आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम लाहौर स्थित स्मारक मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड पर होगा, जिसमें सभी दल और जमातों के नेता शामिल होंगे। वहीं पाकिस्तान सरकार ने रैली में आने वाले लोगों के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलवाई हैं। भारत ने हाफिज के इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान सरकार की मदद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मापदंडों का खुलेआम उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जमात और इसके 4 नेताओं को अलकायदा और तालिबान के मददगारों की सूची में शामिल किया था। वहीं इस साल जून में अमेरिका ने भी जमात को आतंकी संगठन घोषित किया था। जानकारों का मानना है कि सईद को समय समय पर पाकिस्तान सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती रहती है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में करता है। बताते चले कि जमात का कहना है कि इस रैली का मकसद मुस्लिमों में एकता लाना और कश्मीर के लोगों पर भारतीयों के जुल्म के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को लामबंद करना है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट।
इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई करने वाली सरकार का गठबंधन टूटने के बाद मार्च में मध्यावधि चुनाव होने लगभग तय हो गए हैं। मतदान इस सवाल की बुनियाद पर होंगे कि इजराइल के सामने खड़ी व्यापक चुनौतियों के बीच सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का गठबंधन टूटने के बाद इजरायली नेताओं ने 17 मार्च को मध्यावधि चुनाव कराने पर सहमति जताई। इजरायली संसद के स्पीकर यूडी एलेस्टेन ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस बात का ऐलान किया कि आगामी चुनाव 17 मार्च को होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एडेलस्टेन उस विधेयक को लेकर मतदान करेंगे जिससे संसद भंग हो जाएगी। वहीं इस विधेयक के पारित होने के साथ ही तीसरी नेतन्याहू सरकार के कार्यकाल का आधिकारिक रूप से अंत हो जाएगा। नेतृत्व समस्या के मद्देनजर नेतन्याहू ने अपनी लिक्विड पार्टी की बैठक में कहा कि आने वाले चुनाव इस सवाल को लेकर होंगे कि इजराइल के सामने खड़ी व्यापक चुनौतियों के बीच सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए अब नजर डालते हैं खेल जगत की तरफ। फुटबॉल खिलाड़ियों को जान के जोखिम से बचाने के लिए एक नया ऐप बनाया गया है जिससे मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने की संभावना को पहचाना जा सकेगा। अक्सर फुटबॉल मैदान पर खिलाड़ियों की जान को खतरा बना रहता है, तो अब इसी जोखिम से खिलाड़ियों को बचाने के लिए एक नए ऐप का निर्माण किया गया है जिससे कि दिल का दौरा पड़ने की संभावना को पहचानने में आसानी होगी। आपको बता दें कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ऐप CPR 11 को लॉन्च किया गया है। ये ऐप खिलाड़ियों के स्वास्थ्य संबंधी और दिल का काम करने में मदद करने वाले यंत्र AED यानी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करने और जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी को अस्पताल ले जाने के बारे में सुझाव देगा। मिल रही जानकारी के अनुसार स्पेन के औषधि विशेषज्ञ रिपोल एंड डी प्राडो स्पोर्ट्स क्लिनिक और फुटबॉल के विश्व नियामक संस्था फीफा और फीफा के चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र ऐप द्वारा संयुक्त रूप से इस ऐप को विकसित किया गया है कि अगर किसी खिलाड़ी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है तो उसके शुरुआती दौर में 2 मिनट में इस ऐप की मदद से खिलाड़ी को होश में लाने के लिए 11 छोटे छोटे वीडियो सहायक साबित होंगे, जिसके बाद शुरुआती 3 मिनट में AED की मदद से खिलाड़ी के हृदय को कृत्रिम कंपन प्रदान किया जा सकेगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले 14 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक के बीच विश्व कप के लिए आज संभावित 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल 14 फरवरी से 29 मार्च तक होने वाले विश्व कप के लिए आज मुंबई में 30 संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो वहीं अब ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विश्व कप 2011 विजेता रही टीम इंडिया के सदस्य युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह और आशीष नेहरा को 2015 विश्व कप में मौका मिलेगा। बता दें कि संदीप पाटिल की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय चयन समिति की बैठक 1 बजे शुरू होगी। इस बात की जानकारी BCCI सचिव संजय पाटिल ने दी है। फिलहाल युवराज, वीरेंद्र, गौतम और हरभजन साथ ही आशीष खराब फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं विश्व कप 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज हाल ही में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा देखना होगा कि चयनकर्ता उन्हें प्रारंभिक सूची में चुनते हैं या नहीं। बताते चलें कि चयनकर्ता 7 जनवरी को अंतिम टीम का चयन करेंगे जिसे 14 फरवरी से 29 मार्च तक होने वाले विश्व कप के लिए ICC में भेजा जाएगा। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या है नया। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी और रामानंद सागर की प्रपोत्री के बीच पब में झगड़ा हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी और निर्देशक रामानंद सागर की प्रपोत्री के बीच एक पब में झगड़ा हो गया। दरअसल इसके बाद इन नाबालिग लड़कियों के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पूजा की बेटी आलिया और सागर की प्रपोत्री साक्षी के बीच झगड़ा मध्य मुंबई के लोअर परेड इलाके में हुआ था। खबर मिली है कि साक्षी की मां मीनाक्षी ने ओशीवारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। मीनाक्षी की शिकायत के मुताबिक आलिया और उसके मित्रों ने कथित तौर पर नशे की हालत में उनकी बेटी पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ पूजा ने वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पूजा ने कहा, पब में बहस के बाद मीनाक्षी और उनकी बेटी ने उनकी किशोरी बेटी और उनके मित्रों के साथ गाली गलौज की, उन्हें धमकाया और उन्हें अश्लील इशारे भी किए। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 में इन दिनों प्यार की लहरें छाई हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डियांड्रो और गौतम के प्यार की, जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 8 में इन दिनों प्यार की लहर छाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डियांड्रो और गौतम के प्यार की, जो आजकल खूब सुर्खियां बटोरने में लगा है।
दरअसल हुआ यूं कि कल चोर पुलिस के टास्क के दौरान डियांड्रा और गौतम के बीच काफी छेड़खानी हुई, जिस दौरान डियांड्रा और गौतम से किसी बात को लेकर काफी भावुक हो गई और उन्होंने सबके सामने जाकर गौतम को लिप लॉक कर दिया। हालांकि बिग बॉस के घर में हुआ यह लिप लॉक टीवी पर नहीं दिखाया गया, लेकिन इस बीच माहौल काफी शांत और उलझता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि बीते एपिसोड में डियांड्रा और गौतम एक दूसरे को रोमांटिक अंदाज में टीज करते नजर आ चुके हैं, जिसके तुरंत बाद दिखाया गया था कि डियांड्रा गौतम के काफी करीब पहुंची और उनका हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई थी, जिसके बाद दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया था। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे दिन भर की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए www.next9news.com। नमस्कार।